फिक्र ही नहीं है सास में। पहले भी महापुरुषों ने कहा है कि रात गवाई सोए के दिवस गवायो खाए, कीड़े जैसा जन्म था कोड़ी बदले जाए। आज किसी को दो पैसे का लाभ बता दो, ये स्कीम कर लो, ये सत्संगत चिट फंड कर लो, ये फलाना काम कर भागे ठीक है, मुझे लाभ हो रहा है। पर सास इस सोच को कहता महाराज समय नहीं है, क्या करें, बड़े व्यस्त रहते हैं। शासन व्यस्त तो रहते हो, पर जब बुलावा आ जाएगा उस समय व्यस्तता कहाँ चली जाएगी। जिस समय शासन इस निरंकार से वापस आने का आदेश मिल जाएगा, फिर तो कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं चेतना है सो चेत, अगर तू तो जागना चाहता है तो जाग जा। चेतना है सो चेत रे निश्चित में प्राणी, चाहे रात हो चाहे दिन हो, क्यों कि छिन छिन अवध बटोरता है। अवधि हमारी जो अलाट हुई हुई है, श्वास जो हमारे मिले हुए हैं, हर श्वास के श्वास हमारी पूंजी खत्म होती जा रही है। छिन छिन अवध बटोरता है निक्षय घट के ऊपर, जैसे पानी का घड़ा कहीं से जरा सा भी छूट जाए तो एक एक बूंद उसमें से गिरना शुरू हो जाता है।
पर थोड़ी देर के बाद, दिन के बाद, रात के बाद वो घड़ा खाली हो जाता। ऐसे ये हमारा घड़ा है, श्वास की जल भरा हुआ है और बूंद बूंद जैसे श्वास निकल रहा है, बूंद बूंद खाली हो जा रहा है। इसलिए महापुरुष कहते हैं ये इंसान तू जाग जा, उस जाग मुसाफर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो कोवत है। जो सो जाते हैं माया के शासन के जाल में बंध जाते हैं, वो शासन खो जाते हैं समूलक जीवन को। तो शासन बहुत ही प्रसन्नता हुई है, बड़े बड़े सुंदर कलाकार सच्चे पाचन है यहाँ अपना नेपाल में। मैं तो नेपाली कहूंगा, काठमांडू सब नेपाल में ही शासन करता। मैं तो अगर टीकापुर भी हो जाता हूँ, महेंद्र नगर भी हो जाता हूँ, कहता हूँ मैं नेपाल का चक्कर काटा। तो शासन की कृपा करो, बहुत ही खुशी हुई है। और बहन रंजू जी कब से शासन का ध्यान था, जब भी कहते थे कि अगली बार आओगे, तो पिछली बार मैंने उनको कह दिया था आपकी पास जब भी मुझे आने का अवसर बाबा जी देंगे, मैं जरूर आपके घर आकर दर्शन करूंगा। और भी प्रसन्नता हो गई, महात्मा भी शासन हमें मिल गए। यहाँ तो पहले कभी जब आया था तो ये भी बात, और मेरी माँ पिछली भी शासन इंग्लैंड, अब तो हम भी पूरक है, फिर ये भी पूरक है शासन। ये बाबा जी का धन्यवाद है, बाबा जी की कृपा है, इन संतों का प्यार है, जो शासन किसी बहाने से निमंत्रण दे देते हैं, बाबा जी के चरणों में रख देते हैं। बाबा जी कहते हैं चलो हो आना, कितनी दूर है नेपाल, बहुत नजदीक है। तो शासन कृपा